फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली किताबें छापने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मेरठ में आज कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन कर भाजपा नेता संजीव गुप्ता की गिरफ्तारी व अन्य पदाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच करने की मांग की। कांग्रेसियों ने आज जुलूस निकालकर भाजपा कार्यालय पर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। आज जैसे ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बुढ़ाना गेट स्थित कार्यालय से जुलूस के रूप में निकले, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। यहां उनकी पुलिस से तीखी बहस हुई। कार्यकर्ताओं ने भाजपा पदाधिकारियों और कैंट विधायक की भूमिका की भी जांच करने की मांग की। अंत में उन्होंने 3 दिन में कार्रवाई न होने पर आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा कार्यालय पर सुरक्षा के लिए व्यापक पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। आपको मालूम है कि बीते 21 अगस्त को भाजपा की शिक्षा नीति व भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आईना दिखाने वाले इस किताब घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। यूपी की एसटीएफ टीम ने भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता के ठिकानों पर छापे मारकर करीब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की एनसीईआरटी की नकली किताबें बरामद की थी। 5 दिन बाद भी पुलिस भाजपा नेता संजीव गुप्ता व उसके भतीजे सचिन गुप्ता को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अलबत्ता यह जरूर जानकारी में आया है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए संजीव हाईकोर्ट में जमानत याचिका डालने की फिराक में है। भाजपा पदाधिकारी द्वारा नकली किताबें छापने के मामले से भाजपा की खासी किरकिरी व फजीहत भी हुई है। इस बीच मेरठ प्रिंटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशु रस्तोगी ने कहा कि नकली किताबें छापने वाले एक व्यक्ति के कारण मेरठ को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। एसोसिएशन गलत काम करने वालों के साथ नहीं है। शासन प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आशु रस्तोगी, अध्यक्ष मेरठ प्रिंटर एसोसिएशन मेरठ के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, यह सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, एनसीईआरटी की गलत किताब छाप रहे हैं, हम प्रेस एसोसिएशन की तरफ से उसकी भरपूर निंदा करते हैं और इस गलत काम में हमारी प्रेस एसोसिएशन किसी के साथ नहीं है। और जो ये काम हुआ, इससे देश प्रदेश और महानगर को जो बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है और हम लोग जैसे प्रेस वालों को आर्थिक नुकसान हो रहा, उसके लिए हम बड़े चिंतित हैं। और एक आदमी के गलत काम करने की वजह से जो सारे प्रेस वाले, जो जेन्युइन काम करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी के पैनल पे 8-10 प्रिंटर हैं, उनको भी उसी नजर से देखा जाने लगा। इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि वह इसमें उचित से उचित कार्रवाई करें और जो गलत काम करने वाले उन्हें दंड देके सुनिश्चित करें। धन्यवाद। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।